अच्छा जी, मैं इस वक्त माल रोड पे मौजूद हूँ और मेरे साथ मोहम्मद बिलाल मौजूद हैं, वहाब हैं जो इस वक्त नाइट ड्यूटी भी कर रहे हैं। तो अब हम मौजूद हैं इस वक्त ये मार रोड के ऊपर। थोड़ी देर पहले डेविस रोड पे थे, लेकिन आपको गाड़ियाँ हम कोशिश करते हैं दिखाएं। तकरीबन 20 के करीब पुलिस की गाड़ियाँ हैं, जिनको काला जो रिवो डाला है एक वो कर रहा है लीड। ये गाड़ियाँ अगर आप नज़र आएँ आपको, ये रिवो डाला एक और ये पुलिस की गाड़ी नंबर एक, ठीक है, अगर दो हो गई टोटल, और ये नंबर तीन, ठीक है, नंबर चार, पाँच, छः, ये प्रिजन वैन है जी, ये प्रिजन वैन है आपके सामने, सात, आठ, नौ, तीन प्रिजन वैन, और ये दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह जी। तो ये तकरीबन 18 गाड़ियां हैं जो इस वक्त मार रोड पे गश्त कर रही हैं। ये यहाँ से फिर गवर्नर हाउस से होती हुई वापस डेविस रोड पे आएंगी, और डेविस रोड से होती हुई फिर ये ऐसे गोल गोल चक्कर ये मुसलसल जो है ये कर रही हैं। और ये सरकारी तेल है इन गाड़ियों में। रात के वक्त सिर्फ इन शाहराहों के ऊपर, जो ये डेविस रोड है जो एचिसन से साथ लगती है जिस सीएम ऑफिस के सामने, और दूसरी तरफ मार रोड है, गवर्नर हाउस है, और इन रूट के ऊपर अगर मुसलसल जो ये गाड़ियाँ गश्त कर रही हैं, और इस वक्त रात की गश्त कर रही हैं जब सड़कों खाली हैं, सुनसान हैं, तो क्या मकसद है? और दूसरी तरफ 272 रुपए तक पेट्रोल पहुंच चुका है, तो ये पेट्रोल और ये जो सरकारी तेल का ज़्या हो रहा है ये किस मकसद से हो रहा है? अगर तो गिरफ्तारी करनी है तो फिर सीधा जाके गिरफ्तारी की जाइए। यूँ रोड के ऊपर जो है सरकारी वसाइल का जो है इस्तेमाल जो है क्यों किया जा रहा है कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरी तरफ हमारे जो वज़ीर आज़म हैं वो तो बड़ी आजकल ये बातें करते हैं कि उनके वज़रा तो बग़ैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं, तो वो इनसे भी ज़रा पूछें कि ये जो तेल है ये किस मद में यहाँ पे फजूल में जो है उसका ज़ाया किया जा रहा है।